सब ठीक है ना? हाँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है अमर। अब वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बेबी थोड़ी सी थक गई है तो उसको घर वापस लेकर जा रहे हैं। या तो रूम में होगी या तो वॉशरूम में होगी, चेक कर। सुबह सुबह मैं तुझे पागल देखती हूँ हाँ? बाथरूम में चेक किया, हॉल में चेक किया, मेरे रूम में चेक किया, आंटी के रूम में किया, पूरे घर में किया, वो घर में नहीं है। अरे सुन, I'm sorry। ए ओए मिलियस, नहीं कहीं पे भी नहीं है। कोशिश तो बहुत की कहीं खो जाऊं, याद आया आप भाई जो किस्मत के साथ साथ मंजिल भी धुंधली हो गई है। बीच तक गई थी रियलाइज हुआ व्हील चेयर के साथ आपको भी रेत में खींचना मेरे इन हाथों के लिए पॉसिबल ही नहीं है। बस कर बेबी, अपने आप को देख, क्या हालत बनानी है तूने अपनी। मुझे ले चलो कहीं पे, मुझे यहां नहीं रहना, गोवा में नहीं रहना, किसी से नहीं मिलना, मुझे कहीं दूर जाना है। I don't want to live here. Baby, please, baby. बेबी कहाँ है? आज उसकी ट्रेनिंग नहीं है क्या? वो आधा घंटा लेट है, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। अच्छा लिसन, एनीवे आई हैव टू गो नाउ, वो प्रोडक्शन डिजाइन मेरे लिए वेट कर रहा है, आई विल सी यू लेटर। ओके अरे मुझे लगा अब तक तो तुम्हारा डांस सेशन में बेबी स्टार्ट भी हो गया होगा। कहाँ है वो? पता नहीं, एक घंटा लेट है वो और अपना फोन भी नहीं उठा रही। पड़ी होगी किसी कोने में, बेहोश होगी, इडियट। अब कहाँ जा रहे हो? अब मैं भी आ रही हूँ, रुको। मैक्स डोंट वरी, बेबी ठीक होगी। अक्कल नहीं है इस लड़की। बहुत अलग अलग खुदा।
तो बहुत अच्छा डांस करती है। ऐसा कुछ और है जो तुम नहीं कर पाती? ये जानने के लिए तुम्हें मुझे और करीब ले जा। अब तो कोई चॉइस ही नहीं है। बेबी एक्सीडेंट की वजह से सैड नहीं है, वो मिखैर की वजह से सैड है। बेबी ने अनेरी को मिखैर के साथ डांस करते हुए देख लिया और तब से बहुत अपसेट है वो। बेटा तुम यहाँ पर? वो बेबी। बेबी तो कब की एकेडमी के लिए निकल गई? अभी तक तो पहुंचने वाली होगी। आपकी बेटी दरअसल कुछ भूल गई थी। हम वो ही लेने आए थे। क्या भूल गई थी? फोन का चार्जर। मैं लेके आती हूँ। हाँ वो भी दवाइयाँ भी भूल गई। पता नहीं क्या हो गया आजकल इस लड़की को, दवाइयाँ भी नहीं लेती, जब देखो भूल जाती। ये लो बेटा, चार्जर भी इसी में डाल दिया। जी थैंक यू आंटी। निखिल बेटा उसको दवाइयाँ टाइम पे दे देना प्लीज। वैसे तुमको पहचाना नहीं मैंने। मैं अनेरी हूँ आंटी, बेबी की दोस्त। अच्छा ठीक है बेटा, हम चलते हैं। थैंक यू। ओके बेटा बाय। मैक्स प्लीज, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो सकते हो कुछ लेने रुक गई हो रास्ते में। फोन करके नहीं बता सकती थी कि कहाँ है? हद होती है लापरवाही। बेबी ये ड्रेस कैसी लगी? अच्छी है ना? मैं सोचू कि हम दोनों के लिए ऑर्डर करें, दो अलग कलर में चलेगा? बेबी म्यूजिक सुनेगी? मैंने है ना लेटेस्ट हिट्स की है ना प्लेलिस्ट बनाई, सुना? बहुत अमेजिंग। मुझे भी सुननी है। बेबी तेरा जब भी मूड होगा ना तो सुन ले। अब ये मैगजीन भी यहाँ रख रही हो? सोनम हमें बेबी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पर कैसे? अब बेबी को एकेडमी लेके चलते। आयो मैड अमर, वो वहां जाके और भी सैड हो जाएगी। पर सोनम वो कब तक मिखेल से छुपती रहेगी? आई डोंट नो। घर पर भी नहीं रह सकती। कविता मम्मी का फोन आया था कि बेबी को ढूंढते ढूंढते मिखेल घर तक आ गया था। हाँ और ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मिखेल बहुत गुस्से में होगा। एग्जैक्टली exactly. और अगर वो यहाँ पर आ गया तो? बेबी कहाँ है? अमर अमर भाग भाग। वो यहाँ पर नहीं। झूठ मत बोलो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती हर बात पे झूठ बोलते हो? उधर घर पे तुम्हारी बहन झूठ बोल के आई है कि वो एकेडमी जा रही है और वो यहाँ पे छुपी हुई है। हाँ हमने कहा ना वो नहीं है यहाँ पर। मिखेल 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 मेरी बात। मिखेल 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 मैक्स मिखेल क्या कर रही हो यहाँ? 9 बजे क्लास थी तुम्हारी, मैं वेट कर रहा था। आई क्यों नहीं तुम? तुम्हें पता है ना मैं अपनी सारी क्लासेस छोड़ के तुम्हारी ट्रेनिंग करता हूँ और तुमसे इतना नहीं होता कि एक कॉल करके बता दो कि जिंदा हो या मर।
क्या हुआ? अब आवाज भी बंद हो गई? कान तो खुले हैं ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम लड़के हार जाती तो जिंदगी भर इज्जत करता मैं तुम्हारी, पर डर के हार मानने वालों से सख्त नफरत है मुझे। और अगर तुम डर के लूजर की तरह जिंदगी बिताना चाहती हो तो मेरा टाइम बर्बाद मत करो, समझी? बस बहुत हो गया मिखेल, माना कि तुमने बेबी की बहुत हेल्प की, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, बट इसका मतलब ये नहीं तू उससे इस तरह बात करोगे। और हाँ, मेरी बहन लूजर नहीं है, सुना तुमने? फाइटर है वो। दिख रहा है मैक्स, प्लीज सही तो कह रहा है ये। तुम बीबी को इतना भी गुस्सा क्यों कर रहे? बस एक ही रिहर्सल तो मिस किए उसने, मन नहीं कर रहा होगा। इट हैपेंस समटाइम। आई एम वेरी श्योर कि बेबी कल से रेगुलरली आएगी, राइट? प्लीज मैक्स, तुम ऐसे नहीं, तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, तुम प्लीज डोंट बी दिस, समझने की कोशिश करो ना। मुझे कुछ समझना है ना समझाना है, पर 9 बजे अगर तुम अकेडमी नहीं पहुंचे ना तो मुझे अपनी कभी शक्ल मत दिखाना। बेबी, मैक्स की बातों का प्लीज बुरा मत मानना। आई नो मैं उसे उतने टाइम से नहीं जानती, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो बहुत सेंसिटिव है। बस दिखाता नहीं, वो अच्छी तरह से जानता है कि इस वक्त तुम पे क्या बीत रही है। एंड आई नो कि इट्स हार्ड टू बिलीव, पर वो जो भी कर रहा है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है, तुम्हारी हेल्प करने के लिए कर रहा है। सो प्लीज उसे अपने से दूर मत करो। ये अब तुम्हारी दवाई। समझते क्या अपने आप को? ये बात तो ऐसे करके गई जैसे मिखेल नाम की पीएचडी कर रखी है, ना ये मिखेल को जानती और ना ही बेबी को, बे मतलब का लेक्चर देके गई है। ये एक बात समझ में नहीं आती कि बेबी तुझे क्या हो गया है? मामा जी को छोड़कर आज तक तो किसी से नहीं डरी, फिर क्यों मिखेल की हर बात सुनती है तू? मैं मानता हूँ कि वो तेरी हेल्प कर रहा है, बट वो तुझे हर्ट भी तो कर रहा है। बस बहुत हो गया, कोई जरूरत नहीं उसकी कोई भी बात सुनने की, कोई जरूरत नहीं उसको इतना सर पर चढ़ाने की। He's right, baby. मैक्स, मैं तुमसे एक सवाल करूं प्लीज? तुम बेबी के लिए क्या फील करते हो? ये क्या सवाल है? देखा नहीं तुम? परेशान हो गया हूं मैं उससे, इतना गुस्सा आ रहा है उस पर कि अगर आज उसकी ऐसी हालत नहीं होती ना तो मेरा हाथ ही उठ जाता उस पर। मैं तुमसे ये नहीं पूछ रही कि तुम इस वक्त क्या फील कर रहे हो, मैं तुमसे ये पूछ रही हूं कि बीबी है क्या तुम्हारे लिए? उसकी जगह क्या है तुम्हारी जिंदगी? तुम क्या पूछने की कोशिश कर रही हो? मैं बस ये कह रही हूं कि कुछ तो है, जिस तरह से तुम उसे देखते हो, उसे बात करते हो, ऐसा लगता है कि कोई तो हक है तुम्हारा उस पे, जैसे हम अपनों के साथ होते, लाइक दैट। वो मेरी सिर्फ फैन थी, मुझे ढूंढते हुए यहां तक आ गई, उसके बाद मैंने उस पे सिर्फ टैलेंट देखा और कुछ नहीं।
शायद ये तुम मानना चाहते हो। कुछ तो है तुम दोनों के बीच, तुम मानो या ना मानो। हाँ, और बहुत कुछ हो सकता था हमारे बीच में। वो मेरे शो की मेन लीड बन सकती थी, इस एकेडमी की नेक्स्ट स्टार बन सकती थी, पर अपनी जिद और बेवकूफी के कारण वो ये मौका खो दी। अगर तुम मुझसे पूछो कि आज मैं बेबी के लिए क्या फील करता हूं, तो जवाब होगा सिर्फ अफसोस। आई विश कि वो मेरी लाइफ में कभी आई नहीं, या बहुत पहले मैंने अपनी लाइफ से उसे निकाल के बाहर फेंक दिया होता। कितनी कोशिश कर रहा हूं उसे ठीक करने की, पर वो है कि I'm sorry, Max. I'm really sorry. Max, मुझे तुम्हें और गुस्सा नहीं दिलाना है, ओके? I'm really sorry. ओके, ठीक है, भूल जाती कि मैंने कभी भी तुमसे कोई सवाल पूछा, ऑलराइट? Let's forget about this, please. Friends? पिछले कुछ दिनों से बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा डिस्टर्ब था। आई नो, सॉरी मत बोलो, आई अंडरस्टैंड, हैपेंस। अच्छा लिसन, थोड़े टाइम के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, तो तुम या यार डोंट वरी, इनफैक्ट मैंने अभी तक एकेडमी भी ना अच्छे से नहीं देखा, आलू करो। ठीक है, और कुछ भी चाहिए तो दिया को बोल दो। ऑलराइट, सी यू। लॉक कर दे बेबी। अच्छा तू यहीं रुकना, मैं तेरे लिए नारियल पानी ले आती हूँ। क्या पिछली बार तुमने डांस को मौका दिया, इस बार डांस तुम्हें मौका दे सकता है। माइक खोई हुई जिंदगी वापस लौटा, बस हिम्मत कर, बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़। मैं एक दिन तुम्हारे पैरों पर तुम्हें खड़ा करके रखूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना। क्या तुम्हें यकीन है मैं फिर से डांस कर पाऊंगी? पता नहीं, पर इतना पता है कि मैं इस कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। वो जो भी कर रहा है वो सिर्फ ये चाहता है कि तू ट्राई किए बिना गिव अप ना। मामा जी को छोड़कर आज तक तो किसी से नहीं डरी, फिर क्यों मिखेल की हर बात सुनती है? ये रोज वाला स्काई नहीं है, ये उस दिन की रात का स्काई है जिस दिन मुझे अपनी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट बात पता चली है। तुम्हें पता है मैं मिखेल की हर बात क्यों सुनती हूँ? क्यों? मैं डांस से इतना प्यार क्यों करती हूँ? क्यों? क्योंकि मैं मिखेल से प्यार करती हूँ।
मिखाइल फसाओ मिशन शुरू। मुझे उसे फसाना नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि वो खुद समझे कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ, उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं मिखाइल के लिए चल के दिखाऊंगी, डांस करके दिखाऊंगी।